यहाँ पर मुझे एक बात बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने जनवरी 2021 में एक बड़ी भविष्यवाणी की थी कि मई माह में कोरोना वायरस पीक पर होगा और ये बात सच भी होने जा रही है। मिथुन राशि वालों, आप लिखकर रख सकते हैं कि आज एक और बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हो। जी हाँ, वक्री शनि यानी कि 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के बीच प्रारंभ के कुछ दिनों में कोरोना वायरस रहेगा, किंतु जैसे ही शनि ग्रह 3 महीने वक्री अवस्था में निकालेंगे उसके बाद कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा, यानी कि वह कमजोर हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आ रहा हो जिसे सुनकर आप भी 100% प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और मई में सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं, तो दूसरी ओर समस्त जगत के कर्मफल दाता माने जाने वाले न्याय के देवता और इंसान को मोक्ष प्रदान करने वाले सूर्य के पुत्र भगवान शनिदेव खुद अपने ही राशि मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, 23 मई 2021 रविवार के दिन शनि भगवान अपनी राशि में वक्री होने जा रहे है, जिसका सीधा आपकी राशि यानी की मिथुन राशि पर पड़ने जा रहा है। 23 मई को शनि का वक्री होना आपके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 23 मई 2021 रविवार को दोपहर 2:53 पर जब शनि ग्रह अपनी ही राशि में वक्री होंगे तब सिद्धियों का निर्माण हो रहा है और उसी दिन मोहिनी एकादशी एवं ज्येष्ठ मास का प्रारंभ हो गया होगा। साथ में शनि आपकी राशि कुंडली में आयुष्य एवं भाग्य भाव के लोड होकर तृतीय दृष्टि से धन भाव में दृष्टि कर रहे है, तो उसकी पूर्ण दृष्टि कुंडली में भाग्य भाव में पड़ रही है। वैसे तो मिथुन राशि वालों, देश और दुनिया में इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। शनि वक्रे चतुर्भिक्षम रुंड मुंडा च मेदिनी शनि वक्रे जनपीड़ा, अर्थात कंगाली, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, सुनामी, आंधी, तूफान देखने को मिलेंगे, तो समस्त प्रजाजनों में रोग के कारण पीड़ा देखने को मिलेगी, तो वही देश में भी बड़ा गंभीर माहौल बनेगा। कोई जीरो से हीरो बनेगा तो कोई फर्श से अर्श तक भी पहुँच सकता है। वैसे तो 5 राशियों की मुश्किलियां बढ़ती नजर आएगी, किंतु मिथुन राशि पर अगले 141 दिनों तक शनि का शुभ असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके जीवन में कई अहम बदलाव होंगे, जिसमें से यह मुख्य 5 कार्य महत्वपूर्ण रहेंगे। वक्री शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, आप पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे है, जिसे आपके लिए बेहद ही शुभ कहा जाएगा। व्यवसाय नौकरी में बाधा बन रही थी तो वह दूर होगी। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास नाकाम हो रहे थे तो वह साकार होंगे। व्यापार, व्यवसाय एवं रोजी रोजगार में मेहनत का फल मिलने में देरी हो रही थी तो वह अब नहीं होगी, यानी कि 26 मई से लेकर 11 अक्टूबर के बीच आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। 100% मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ में वृद्धि के योग बनेंगे। स्व राशि के शनि होने के कारण आपको यकीनन सफल प्राप्त होगे। भाग्य में वृद्धि के चलते कारोबार नौकरी में लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के कार्य में सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस दौरान आप अपने कार्य शैली में कुछ अहम बदलाव करेंगे और जिसका फायदा आपको मिलेगा, तो वही पिछले काफी समय से विरोधियों द्वारा आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी की जा रही थी तो बस उनकी मनमानी नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पर स्थित शनि आपको शत्रु को परास्त करने में मदद करेगी, यहाँ तक शत्रु को पूर्ण तरीके से पराजित कर देगी, जिसके कारण नौकरी में सहकर्मी आपसे उलझ नहीं पाएंगे तो व्यापार में भी प्रतिस्पर्धी आपसे पीछे रहेंगे, व्यापार अधिक होगा और आमदनी भी अधिक मिलेगी। मिथुन राशि वालों, यहाँ से शनि आपको आर्थिक लाभ, कार्य व्यवसाय में मुनाफा, पारिवारिक क्लेश से मुक्ति देने वाला, पति पत्नी के बीच सुलह कराने वाला, यात्राओं से लाभ प्रदान करने वाला, यहाँ तक विदेश में जाकर स्थायी कराने वाला बनता है। साथ में वह धन के विभिन्न स्रोतों से लाभ प्रदान करने वाला भी बनता है, जिसके कारण जो करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं और अभी तक नौकरी से वंचित है, ऐसा नहीं है कि नौकरी पाने के लिए आपने प्रयास नहीं किया, प्रयास करते हुए भी असफलता मिली है, उन्हें यह अवधि नौकरी प्रदान करेगी। इस समय सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयासरत जातकों को भी अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों, जिन्हें भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है वह अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेहनत और प्रयास से सफलता मिलती है, किंतु जब कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव का साथ मिलता है तो फिर मेहनत, प्रयास और भाग्य के बदौलत आपके हर कार्य पूर्ण होते हैं। दोस्तों, जो स्वयं का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, नया व्यवसाय प्रारंभ कर पाएंगे। जहां एक ओर कारोबार व्यापार में कोई नया प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे, तो दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों को पदोन्नति एवं सैलरी में वृद्धि के योग बनेंगे। अकाउंट, फाइनेंस, शेयर मार्केट सेक्टर में भी वक्री शनि का प्रभाव बना रहेगा। यदि आप पैतृक संपत्ति को लेकर चिंतित है तो वह समस्या खत्म होगी। पारिवारिक जीवन का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से जुड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। निश्चित ही शनिदेव लोगों के ऊपर मेहरबान रहेंगे जो जीवन में खुशियां ढूंढ रहे हैं और अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होगी।
इस समय आपके प्रेम की भावना अपने साथी तक पहुंचा पाएंगे। नए रिश्ते की शुरुआत होगी तो लव रिलेशनशिप में वक्त गुजार रहे जातकों को किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यहां तक साथी से हाथ धोने की नौबत भी आ सकती है। तो वही आयुष्य भवन में स्थित शनि स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत पैदा करेगा। आयात निर्यात टेक्सटाइल उद्योग हीरा बाजार होटल सिनेमा टूरिस्ट से जुड़े कार्यों और निश्चित ही अप्रत्याशित रूप में गिरावट आएगी। धन की कमी महसूस होगी। यहां तक इस समय आपके मन में क्रोध के कारण तनाव की स्थिति भी पैदा होगी। हां शनिदेव उन लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे जो नौकरी बदलना चाहते हैं, वीजा संबंधित समस्या से परेशान है, पद पाना चाहते हैं, जो गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। जय गुरुदास।